जी, आज सुबह ये बात हुई थी कि जो भी मेरी अपनी स्किन की ब्यूटी की रूटीन है उसको मैंने अब जो रिप्लेस किया है अपने क्लाइंट्स के लिए जो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैंने निकाले हैं या अब उनको मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है और इम्पोर्ट भी किया है। हम अब आज उन प्रोडक्ट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जो मुझे अब बहुत अच्छी लगी है और मैंने स्पेशली मंगवाई है। तो अब जैसे मेरे फेस पे इस वक्त काफी ज्यादा मेकअप है इन अ वे कि मैं फेस की बेस नहीं लगाती, लेकिन चूंकि मैंने वीडियो बनानी होती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ से कॉन्टोर करती हूँ, थोड़ा ब्रॉन्जर यहाँ पे यूज करती हूँ। आईज का मेकअप होता है और लिप्स का मेकअप होता है। अच्छा, आईज और लिप्स का मेकअप उतारने के लिए अमूमन मैंने देखा है कि खवातीन या लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा रबिंग करती हैं या तो फेस वॉश से या लोशन से। तो आईज का मेकअप और लिप्स का मेकअप उतारने के लिए ये एक प्रोडक्ट है, दिस इज अ जेंटल मेकअप रिमूवर आई एंड लिप। और ये इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट है कि मैं इसको जब भी यूज करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैंने फील किया है कि ये जो मेरे पास ये जो क्लिनिक का आई मेकअप रिमूवर है या लिप मेकअप रिमूवर है ये उससे भी ज्यादा अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आई थिंक ये मैंने काफी महंगा लिया था और ये सिर्फ 2500 का है और ये 2300 या 2500 का हमारी साइट पे पड़ा हुआ है। इसके बाद स्किन और लिप्स और आईज बहुत नरिश्ड ऑयली और बेबी स्किन की तरह होते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि आपको लगे कि यार मेरी पूरी स्किन खिंच गई है या मुझे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। इवन जो मोस्ट मैट लिपस्टिक जो मोस्ट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स होती हैं जो बहुत ज्यादा जिनमें एजेंट्स होते हैं टू स्टिक ऑन द लिप्स, जो वैसे भी आपकी पेट्रोलियम जेली से या एलोवेरा जेल से किसी भी चीज से नहीं रिमूव होती, वो इसके सिर्फ एक स्वाइप यानी इसको मैं इसके ऊपर डालूंगी अपने लिप मेकअप को और इससे अपने लिप्स और आईज के लिए एक अलग से लूंगी ये वाला पैक नंबर टू लूंगी, दो यूज करूंगी ठीक है, एक कुट में एक लिप के लिए और एक आई के लिए। तो इनसे मुझे बहुत अच्छा और बाद में नरिश सी स्किन मिली होती है नंबर वन। अच्छा, नंबर टू पे है दिस इज जेंटल क्लेंजिंग जेल। दिस इज अ जेल, ये भी बहुत एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। इसको मैंने खुद मैं यूज रेगुलर, ये खुला हुआ है इस वक्त। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसकी जो टेक्सचर है वो डैमेज स्किन है, कोई ब्रूजेस हैं, कोई पिगमेंटेशन है। इसको फिर मैं अपनी पूरी फेस और नेक के ऊपर तकरीबन 3-4 मिनट के लिए छोड़ती हूँ लगा के, ना कि लाइक ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए ठीक है। अच्छा, नंबर थ्री पे मेरे पास है, ये भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना महंगा नहीं है। मैंने कोशिश ये की है कि ये सारे प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट में, यूरोप में और पूरी जो आपकी जो बाहर का यूरोपियन वर्ल्ड है उसमें ये प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। मैंने ही कोशिश की है कि मैं अपनी जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारी खवातीन आम खवातीन घरों में बैठी हुई है, उनकी जो स्किन की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए इनकी प्राइसिंग जो है वो मैंने बहुत रीजनेबल रखी है ताकि सब लोग इनको अवेल कर सकें। अच्छा जी, फिर अब फेस को धोने की बारी आती है। ये जेंटल क्लिंजर लगाने के बाद में आराम से अपने स्किन के ऊपर अगर मुझे जरूरत महसूस अब नहीं होती, क्योंकि इस लिप और आई मेकअप रिमूवल वाला जो ये ऑयल बेस्ड है इससे इतना ऑयल मेरे फेस के ऊपर होता है कि मुझे अलग से ऑयल डाल के उसको क्लीन करने की जरूरत नहीं होती। मैं वैसे ही जो मेरा अपना स्किन का जो ब्रश है, क्लिंजिंग ब्रशेस हैं, उनसे मैं स्किन को क्लीन कर लेती हूँ। एक एक मिनट 60 सेकेंड 30 सेकेंड काफी होते हैं। एंड देन दिस इज फोमिंग जेल क्लेंजर फ्रॉम सॉस स्किन, इससे मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। ये दिस इज अ वेरी गुड फेस वॉश और इसकी क्वांटिटी, इन सब प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। यानी आप ये देखें कि दिस इज ऑलमोस्ट 200 ml, 200 ml है इसके अंदर, 250 ml के करीब टू है इसके अंदर, 250 ml है प्रोडक्ट जो आपकी बहुत अरसा लास्ट करती है।
अच्छा अब आपने फेस वॉश कर लिया, अब मेरे पास फिलहाल मेरी रेंज में मेरे पास कोई टोनर नहीं है, लेकिन आप अपने जो भी आपके करीबी क्लीन एंड क्लियर का टोनर ले रहे हैं, आपकी जो बजट में आता है, आप न्यूट्रोजीनिया का ले लें, आप किसी भी ब्रांड का अच्छा टोनर आप खरीद सकती हैं, उसको अच्छी तरह फेस पे अप्लाई करने के बाद लेट इट ड्राई अंडर द फैन, उसको आप आराम से खुश्क होने दें। एंड देन वी हैव दिस लाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग मिल्क, ठीक है। ये लाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग मिल्क मैंने खुद यूज किया है, इसमें दो टाइप्स हैं, एक है जो कि पिगमेंटेशन वाली स्किन के लिए है, जिसके अंदर थोड़ा सा ग्लूटाथायोन और विटामिन सी एडेड है, तो वो आपकी स्किन को पूरी रात या जितना भी टाइम आप नरिश रखती हैं अपनी स्किन को वॉश करने के बाद, तो अपनी स्किन और नेक पे इस्तेमाल करें, ठीक है। ये दोनों क्लेंजिंग मिल्क बहुत लाइट वेट हैं, फ्रेगनेंस फ्री हैं और बिला वजह हैवी लाइक निविया या किसी बहुत जो हैवी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फेस के ऊपर, टू कैरी देम टू लीव लॉट ऑफ ऑयल एंड यू डोंट फील गुड अबाउट देम। अच्छा ये मॉइस्चराइजिंग मिल्क लगाने के बाद रात को सोने से पहले आई हैव अ फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, हर रात के लिए अलग प्रोडक्ट है मेरे पास, यानी एक दिन विजिबल लाइन करेक्टर है जो आपकी स्किन को की लाइंस को आपकी जो डिफरेंट जगहों पे लाइंस आ रही हैं ऑन आईज के साथ लिप्स के साथ या जिधर भी रिंकल्स आ रही हैं फोरहेड पे, ये उसके लिए विजिबल लाइन करेक्टर एक रात के लिए। फिर ये टाइम रिवर्सल सीरम है नेक्स्ट नाइट। अब आपने ये जो मॉइस्चराइजिंग मिल्क आपने लगा लिया है उसकी उसको लेट इट ड्राई, लेट इट सेटल डाउन इन योर स्किन, उसके बाद आप सोने से पहले अपने ये सीरम अप्लाई करें, और सीरम आपने सिर्फ एक मटर के दाने के बराबर इधर लगाना है और एक मटर के दाने के बराबर इधर लगाना है, ज्यादा क्वांटिटी आपने नहीं चूज करनी। सो जब आप डेली प्रोडक्ट रात को चेंज करेंगे, ये उन लोगों के लिए है जो 35 प्लस है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 25, 29, इवन 30 के बाद उनकी स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन में है या एज आउट हो गई है या स्किन खराब हो चुकी है, ये रूटीन उनके लिए है। वरना जो लोग 30 से कम हैं जिनकी स्किन बेहतर है, उनको रोजाना रात में एक अलग सीरम यूज करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 4 सीरम्स हैं मेरे पास। ये है जी विजिबल एक्सप्रेशन लाइन करेक्टर जो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर विजिबल एक्सप्रेशन जो ब्राउन स्पॉट करेक्टर है जो कि आपके जहां जहां पिगमेंटेशन है आप वहां पे लगाएं, और ये इंटेंस क्लैरिफाइंग सीरम है जो कि जिसके अंदर विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और इंटेंसली क्लियरिंग सब के सब इसके अंदर जो सीरम्स हैं उनका एक मिक्सचर मौजूद है जो आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर करता है। और ये एक सीरम है लैश जी, ये लैशेस के लिए है, यानी आई लैशेस पे हम रोज मस्कारा लगाती हैं या हम कुछ भी करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास 5-6 तरह के ऑयल्स हैं और कुछ और सीरम्स हैं जो आपके लैशेस की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, मस्कारा वगैरह आई मेकअप का जो अफेक्ट आपकी आईज पे होता है या लैशेस पे होता है उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रात का टाइम जो है वो बुनियादी तौर पे आपकी स्किन की रिपेयर और हीलिंग के लिए होता है, और आपकी जो एक डीप स्लीप है, यानी अक्सर लोग मुझे कहती हैं, अक्सर खवातीन बताती हैं कि हम सोने की बहुत कोशिश करती हैं हम, मगर हमें प्रॉपर रात को नींद नहीं आती, हम 2:30 बजे सो जाती हैं, फिर सुबह 6 बजे हमने उठना है, तो आपकी बॉडी जो है वो स्लीप पैटर्न जब बनाया जाता है तो 3 घंटे के बाद अपनी रिपेयर मोड में जाती है, तो आपने ऐसी जो है वो रूटीन अपनानी है कि आप टाइम पे सोएं, और अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है तो फिर आप उसके लिए साइकेट्रिस्ट से रब्ता करें, कुछ मेडिकेशन लें, हो सकता है कि आपका कोई और हार्मोन्स का मसला चल रहा हो, कोई मूड डिसऑर्डर हो, उसका डायग्नोसिस होने से ये फायदा होगा कि आपकी नींद अच्छी हो जाएगी और आपकी फिर स्किन और एजिंग जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नहीं सोएंगी तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप कभी भी एक हील्ड आउट और एक वाइब्रेंट स्किन के साथ परफॉर्म अपनी मतलब बाहर नहीं आ सकती। तो ये लैश जी सीरम भी shafak.pk के ऊपर, शफक ब्यूटी स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, ये इंटेंसली
क्लेरिफाइंग सीरम और ब्राउन स्पॉट करेक्टर, ये दोनों मैंने काफी यूज किए हैं पिछले 5-6 महीनों में, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और ये प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही हाइपर पिगमेंटेशन वाली स्किन के लिए अल्ट्रा लाइट वेट मॉइस्चराइजिंग मिल्क है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये प्रोडक्ट मैंने काफी यूज करवाई है। अच्छा, फिर ये एक और हमारे पास सोप फ्री फोम प्योरीफायर है, यानी अगर आप ये वाला फोमिंग जेल क्लेंजिंग नहीं लेती तो ये सोप फ्री हमारे पास फेस वॉश भी अवेलेबल है, और ये पूरी स्किन केयर जो है दिस इज वेरी इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू क्लारेंस और एस्टल ऑर्डर या जो आपके पास ब्रांड इस वक्त बड़े बड़े हैं, जो भी स्किन में बहुत सारी कंपनीज क्लिनिक है, इसकी बहुत प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, फिर ड्योर है, अरमानी है, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, और इन सब से अगर आप इसे कंपेयर करें और यू वांट टू हैव अ प्रॉपर क्लेंजिंग नाइट एंड डे रूटीन, तो उसमें मुझे लगता है कि खवातीन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो शफक डॉट पी के या हमारे क्लिनिक से ये प्रोडक्ट्स खरीद लें और एक प्रॉपर अपनी नाइट रूटीन को मेंटेन करें। इसका ये फायदा होगा कि आप अपनी स्किन पे काम करेंगी और आपको इसके रिजल्ट्स एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी साथ लेंगी तो आपको डबल नहीं बल्कि ट्रिपल रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।